Hi everybody and welcome to World Affairs section of Avision IAS and this video is presented by Rajat Dubey. और आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन के लिए, तो जैसा कि आपने देखा होगा ओपोजिशन पार्टी जो कि आज के समय में इंडिया बन गए हैं INDIA, तो आप देखेंगे इन लोगों ने मिल करके नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा है जो कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ में, यानी कि बीजेपी लेड NDA गवर्नमेंट के खिलाफ में। तो आइए इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है और क्या होगा अगर ये मोशन पास हो जाता है, क्या प्राइम मिनिस्टर को और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ जाएगा और नया इलेक्शन होगा क्या लोकसभा से पहले, तो तमाम बातें हैं। तो आइए इस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं और वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा, इसके हम हिस्ट्री के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के, और साथ साथ में वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बगैर किसी डिले के। तो बेसिकली आसाम के एक लीडर है जिनका नाम गौरव गोगोई है, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बेसिकली एक नोटिस दिया है जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है दरअसल, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि जो रूलिंग पार्टी है वो जिम्मेदार नहीं ले रही है अपने आप को और जवाबदेही नहीं बना रही है मणिपुर में जो भी क्राइसिस हो रहा है। जैसा कि आपको पता होगा मणिपुर में ऑलरेडी 142 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और अभी भी नागास और कुकीज और मेई 23 के बीच में क्लैशेस चालू हैं। तो इसी बीच आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को लेकर के इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, और वहीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और साथ साथ में 2 बजे तक के लिए आज बेसिकली जो पार्लियामेंट है उसको एडजर्न भी कर दिया गया है। अब बेसिकली 10 दिन के अंदर अंदर जो एक्चुअली 11 अगस्त तक ये सेशन चलने वाला है मानसून सेशन, तो इसके अंदर अंदर इस चीज़ को लेकर के एक दिन फिक्स किया जाएगा जहाँ पे इस मोशन को लेकर के बहस होगी। आइए अब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के पॉलिटिकल एंगल के बारे में समझते हैं। दरअसल कॉन्फिडेंस हो या नो कॉन्फिडेंस हो, पार्लियामेंट में किसी भी चीज़ की जिक्र नहीं करी गई है और एक्चुअली आर्टिकल 75 जो है वो सिर्फ इतना ही कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे हाउस ऑफ पीपल को, यानी कि लोकसभा को। और इसी बीच आप देखेंगे तो रूल 198 है और ये रूल 198 मेंशन करता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, दरअसल इसको लाने के लिए कोई भी मेंबर लोकसभा का, जैसे लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है वो 543 है करेंटली, तो इसमें से कोई भी मेंबर जो है वो ला सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इसके लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे कोई उनको रीज़न बताने की भी ज़रूरत नहीं है और साथ साथ में अगर ये पास हो जाता है बेसिकली आप देखोगे तो सरकार को अपना मेजॉरिटी प्रूफ करना पड़ता है, यानी कि अगर वो 50% या उससे ज़्यादा का मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फिर उनकी हार हो जाएगी और उनको रिज़ाइन करना पड़ जाएगा रूलिंग पार्टी को। दरअसल नंबर्स की बात कर लेते हैं तो 543 के स्ट्रेंथ में 330 जो है वो बीजेपी लेड NDA सरकार के पास में है, वहीं आप अपोजिशन के पास देखेंगे तो महज 140 सीट्स है और बाकी के जो 60 हैं वो छोटे मोटे पार्टीज हैं जैसे कि जो ओडिशा हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, वहाँ के रीजन से जो कई बार कहा जाता है कि बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। तो इसका पास हो पाना तो काफ़ी मुश्किल माना जा रहा है, लेकिन ये एक इफेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1952 से जब से लोकसभा बना है तब से अब तक में ये 28 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया गया है। आप देखेंगे तो सबसे पहला जो था वो 1963 में आचार्य JB कृपलानी जी के द्वारा लाया गया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के लिए इंडिया चाइना वॉर 1962 पे लेकर के, और इसके बाद में सबसे ज़्यादा बार किस प्रधानमंत्री के टाइम पे लाया गया है तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। और कौन से वो दो प्रधानमंत्री हैं जिनको हटाया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन से, तो एक तो मोरारजी देसाई जी हैं और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। सबसे लंबा बहस करने की बात कर ले तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के समय में ये दूसरी बार है, पहला 2018 यानी कि 19 लोकसभा चुनाव से पहले और अब 24 लोकसभा चुनाव से पहले वर्तमान में। बाकी जो भी फर्दर अपडेट होगा हम जरूर अपने अपकमिंग वीडियोस में लाते रहेंगे। ऐसा कॉन्टेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।